हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक प्लास्टिक की बोतल को यूज़ करके हम घर में पुदीना को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने घर में ही इसको उगाया है और बहुत अच्छी सी पुदीना हुए हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो चलिए इसको कैसे ग्रो करें देख लेते हैं। ये मैंने एक बॉटल ली है, इसका ये ऊपर का रैपर हटा देते हैं और इसमें हम जगह जगह पर होल कर देंगे। तो एक पेचकस ले लेंगे और उसको गर्म करके होल करेंगे तो आसानी से हो जाता है। और ऊपर थोड़ा सा हम ये इसका मुंह खोल देंगे, जिससे इसमें हम मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे। तो इतना पहले हम पार्ट कट कर देते हैं और जहाँ जहाँ पे हमको इसमें होल बनाने हैं उसमें निशान बना के इसमें होल कर लेंगे। तो आप इसको देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ऊपर का पार्ट जो जहाँ से हमको मिट्टी डालना है उसको भी कट कर लिया है और थोड़े से होल कर लिए हैं। तो मैंने गैस पे दूध चढ़ा दिया है, जिससे हमारी गैस भी वेस्ट नहीं होगी। और हम इस तरह से दो पेचकस ले लेंगे, एक रख देंगे गैस पे और दूसरा से छेद करते जाएंगे। फिर वो ठंडा होगा तो इस तरह से हम करते जाएंगे। और ये मैंने पुदीने लिए हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं, उसको मैंने लिया है। और ये थोड़ा सा एक दिन पुराना हो गया था तो थोड़ा सा काला पड़ गया है। तो जो इसमें यूज़ वाली पत्तियां हैं उनको हम निकाल के यूज़ कर लेंगे, बाकी जो डंठल है इनको हम अच्छे से रख लेंगे, इन्हीं को हमको यूज़ करना है। तो जो मोटी मोटी डंठल हैं उनको हम यूज़ कर लेंगे और जो ख़राब हो गई हैं उनको हटा देंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने होल किया है उसी में हम दो दो तीन तीन डंठल करके अच्छी अच्छी इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से मैंने सारी डंठल सारे होल में डाल लिए है और अब हम इसमें मिट्टी डाल लेंगे। मिट्टी में हम वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट जो आप यूज़ करते हैं उसको डाल सकते हैं। और इस तरह से हम सारी मिट्टी बॉटल में भर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, पुदीना अपने आप ही केवल पानी से ही ग्रो हो जाता है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पानी हम अंदर भी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा बाहर भी स्प्रे कर देंगे। और अब हम इसको रख देते हैं, 2 से 3 दिन के बाद देखेंगे। ये देखिए, 3 दिन बाद इसमें देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आई हैं। ये देखिए, 7 दिनों के बाद और भी अच्छी सी पत्तियाँ ग्रो हो गई हैं। इसमें कुछ डंठल जो ख़राब हो गई हैं उनको हम निकाल के दूसरी डंठल इसमें डाल के फिर से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप भी इस गर्मी में पुदीना को इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं और मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इनको बॉटल में या फिर गमले हैं अगर आपके पास तो गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, मैं आपको इसका जब अच्छे से ग्रो हो जाएगा इसका थंबनेल में आपको फ़ोटो डाल के दिखाती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।